हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो टुडे आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो ऑफ साइंस लेसन नंबर 6, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ये लेसन हमने स्टार्ट करा था, मैं इसके ऑलरेडी कई सारे पार्ट्स आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, एक्सप्लेनेशन वीडियोस, एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बैक एक्सरसाइज डिस्कस करी थी इस लेसन की। आई होप आपने देखी भी होगी और समझी भी होगी। अगर आप सबको वो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको तो लाइक कर ही दीजिएगा, एंड जो आप बनाने जा रही हूँ मैं, इस वीडियो को भी जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो जरूर खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, बट नॉट इन दिस वीडियो। वी विल डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एंड टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जो कि काफी ही छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े हैं नहीं, कुछ एक एक लाइन के, दो दो लाइन के, नॉर्मल है। आई होप आपको थ्रू द वीडियो ही लर्न हो जाए, समझते समझते ही आपको लर्न हो जाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड इफ अगर आपने मेरी बाकी की वीडियोस नहीं देखी है, में जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस जो भी अपलोड करी है मैंने, वो नहीं देखी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, एंड चैनल पर तो अपलोड है ही। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज Why should we not leave our toys on the floor? Floor पर हम अपने toys क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? We can trip over them and get hurt. हम उसके ऊपर से trip हो सकते हैं, फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, हमें लग सकती है और hurt हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस बात से agree होगे, अगर खिलौना अगर नीचे हो तो हमारा पैर उस पर चढ़ेगा तो हम फिसल जाएगा, हमारे balance बिगड़ेगा और हम गिर जाएंगे। तो इसलिए हमें टॉयज को फ्लोर पर नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि ये जो चोट लगने के छोटे मोटे जो एक्सीडेंट्स है घर पे जो आपके हो जाते हैं उसको हम अवॉइड कर सके। इसलिए टॉयज हमें फ्लोर पर नहीं छोड़ने चाहिए। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी फॉलो सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए हमें? अब इतने सारे रूल्स हमने पढ़े हैं इस लेसन में, क्यों फॉलो करें हम इसे? टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, ताकि ये जो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे अभी ये टॉय वाला था या कुछ भी, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी थी घर में, है ना, वॉशरूम में क्या सेफ्टी रूल्स प्ले करते, सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं, प्ले ग्राउंड में, स्विमिंग पूल में, सब पढ़े थे। तो उनको अगर वो रूल्स हम फॉलो करेंगे तो हम उन छोटे छोटे एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकेंगे। देन योर थर्ड क्वेश्चन इज नेम टू थिंग्स दैट शुड बी कैप्ट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन। दो चीजों के नाम लिखो जो बच्चों से हमें दूर रखनी चाहिए। बच्चों से क्या रखनी चाहिए? छोटे बच्चों से दूर। तो जैसे एक तो इंसेक्ट रेपेलेंट्स मतलब जो भी इंसेक्ट्स को मारने वाली दवाइयां होती है वो दूर रखनी चाहिए। सेकंड है शार्प ऑब्जेक्ट, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट से, जैसे नाइफ हो गया या कांच की चीजें हो गई, जो भी ग्लास की आई प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी चीज हो गई ग्लास की, वो बच्चों से दूर रखनी चाहिए। बर्नी हो गई, कुछ भी हो गया, क्यों? क्योंकि उससे बच्चे गिर गई, कांच लग सकता है। सीजर दूर रखनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें बच्चों से दूर रखनी चाहिए। देन योर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? तो फर्स्ट एड कहीं ना कहीं हमें पता है क्या होता है, जो केयर हमें एक फर्स्ट एड बॉक्स सबके घर में होता है ना, उस फर्स्ट एड बॉक्स में कई सारे आइटम्स होती है, जैसे कॉटन, सीजर, डेटॉल, है ना, कैलेमिन लोशन, या और भी कई पेन किलर्स, बहुत सारी मेडिसिन, आप जो भी आप यूज कर सकते हो वो रखते होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको घर में छोटी सी भी प्रॉब्लम तो आप उसका यूज कर लो, जैसे बैंडेज हो गई, पट्टी हो गई, क्योंकि अब घर में अगर आपको चोट लग रही है तो इमिजिएटली तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते ना, तो उस समय आप फर्स्ट एड का यूज करते हैं। फर्स्ट एड इज द इमिजिएट केयर गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर। डॉक्टर के आने से पहले हम उस पर्सन को फर्स्ट एड देते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ कट गया, ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, अब आप डॉक्टर के पास जाने तक का वेट करोगे या डॉक्टर के आने का वेट करोगे तो कितनी ब्लीडिंग हो जाएगी, कितने ब्लड आपका लॉस हो जाएगा। तो हम वहां पे क्या करते हैं, खुद से एक फर्स्ट एड कर देते हैं, बैंडेज लगा देते हैं, पट्टी कर देते हैं टेम्पररी। फिर हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अच्छे से आपकी पट्टी करता है, बैंडेज करता है। तो फर्स्ट एड होता है जब हम एक केयर इंजर्ड पर्सन को देखते हैं डॉक्टर के आने से पहले। देन योर फिफ्थ क्वेश्चन इज Which things should be kept in mind if a person gets injured? अगर किसी person को चोट लगती है तो आपको क्या क्या points अपने mind में रखनी है, क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है? पहला तो do not get panic and make the person comfortable। एक तो panic नहीं होना,
अगर आप ही पैनिक हो जाओगे तो उस पर्सन की केयर कैसे करोगे। तो आपको पैनिक नहीं होना, इजी काम रहना, अपने माइंड को काम रखना है और उस पर्सन को कंफर्टेबल फील कराना है। अच्छे से आराम से लेटा दीजिए, फील कंफर्ट कराओ कि कुछ नहीं हुआ। अगर आप भी पैनिक होगे तो जो पर्सन बीमार है, जिसको चोट लगी है, वो भी पैनिक हो जाएगा, तो उसको और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसलिए पैनिक नहीं होना कभी भी किसी भी सिचुएशन में, कंफर्टेबली उसको फॉलो करना है, हैंडल करना है, फेस करना है। तो ये थे आपके लेसन 6 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, टोटल 5 थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसी लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड उससे भी पहले आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।